अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर तो इसी प्रकार वर्तमान में आज भक्ति मार्ग में प्रत्येक मानव की पूरे विश्व में ये स्थिति है जैसा आपको अभी उदाहरण दिया कि हम जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानते और फिर कोई उनसे पूछता है कि परमात्मा कैसा है, वह कहते निराकार है, उसका कोई आकार थोड़ा ही। फिर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जी की मूर्तियां बनाकर पूज रहे हैं तो ये क्या है, वो निरुत्तर है, कोई जवाब नहीं। ऐसे ही कबीर पंथियों से पूछा जाए वो कहेंगे कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा निराकार है। जबकि परमेश्वर स्वयं अपनी सतीथी बताते हैं कि वो सतलोक के अंदर है और वहां एक सफेद गुमट के अंदर विराजमान है प्रभु स्वयं। इसी प्रकार पवित्र सिख समाज से पूछिए, वो कहते हैं परमात्मा निराकार है क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा तू ही एक निरंकार। और नानक साहब जी ने अपने जीवन काल में जो पहले वो पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे और ब्रजलाल पांडे से गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया करते थे, सुना करते थे, पढ़ते थे गीता जी को, इसलिए उन्होंने उस लोकवेद के आधार पर ब्रजलाल पांडे से सुनी हुई बातों के और एक हिंदू समाज के अंदर कॉमन धारणा होने के कारण के परमात्मा तो निराकार है। और फिर भी श्री विष्णु जी के पुजारी थे तो वो वाणी भी लिखी हुई है। जब उसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, पूर्ण ब्रह्म उनको मिले, बेई नदी पर आकर के उनको दर्शन दिए, फिर सचखंड लेकर गए, उसके बाद नानक साहब ने पूरी श्रीमद् भगवद गीता में से 7 श्लोक सिलेक्ट किए थे और उन 7 श्लोकों का जवाब जगह जगह जाकर पांडे लोगों से पूछा करते थे, ब्राह्मणों से, कि वो तत्वदर्शी संत, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है वो तत्वदर्शी संत की खोज कर, तत्वदर्शी संत की पहचान बताओ, क्योंकि गीता ज्ञान दाता तो अपने ज्ञान से अलग कोई ज्ञान बता रहा है, वो कौन ज्ञान है। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानीय सत्र सचखंड को प्राप्त होगा, वो परमात्मा कौन है। इस तरह के 7 श्लोक उन्होंने सिलेक्ट किए थे जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, फिर भी उनकी बात को किसी ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उस समय नानक साहब के अनुयायी बहुत ही नाम मात्र थे। ऐसे ही पवित्र मुसलमान धर्म में पूछिएगा परमात्मा कैसा है, अल्लाह बेचून है, बेचून मान निराकार। ऐसे पवित्र ईसाई धर्म के किसी श्रद्धालु से पूछिए कि अल्लाह गॉड कैसा है, गॉड इज फॉर्मलेस, निराकार। जबकि पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि प्रभु ने 6 दिन में सृष्टि रची और 6ठे दिन उसने कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा और परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। तो फिर भगवान कैसा हुआ, परमात्मा भी नर आकार हुआ, मनुष्य जैसे आकार का, देखिएगा।
ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ऊपर नहीं इसका, यहीं से है सारा कुछ। अब आगे देखिएगा पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहां से छपा है? जर्नल एडिटर, ये डॉनलैंड सी सेटेम्स MA MDV, एसोसिएट एडिटर जे वेस्ली एड्स PhD, और नीचे है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मोएस्री USA, प्रिंटेड इन इंडिया। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन, या प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति स्टानली एम होर्टन PhD अध्यक्ष आदि आदि, ये सारा इनका डिस्ट्रिक्ट है। फुल लाइफ स्टडी बाइबल लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल। अच्छा, इसके देखना, ये देखिएगा आरंभ यहाँ से होता है, ये स्टार्ट है। ये है चार पृष्ठ पे, ये जिनिशियस 1, ये पृष्ठ नंबर 4, उत्पत्ति आरंभ यहाँ से होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब देखो, इस प्रकार ये पहला दिन हो गया, दूसरा दिन भोर हुई, इस प्रकार, और परमेश्वर ने उस अंतर को पर आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये इस प्रकार दूसरा दिन हुआ, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन हो गया। ये ऊपर जो कुछ था, हम अपने मतलब का देखना चाहते हैं, यहाँ देखिएगा प्रश्न नंबर 5 पे, ये पांचवा दिन देखिए, प्रश्न नंबर 5 पे जेनेसिस 1 और 2, इसमें लिखा है इस प्रकार ये पांचवा दिन हो गया। अब छठा दिन यहां शुरू होता, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से जंतु बनाएंगे। आगे देखो, यहाँ फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 बार लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार समानता में बनाए। यहां देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 बार लिखा, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, साकार है, नराकार है। आगे देखना, फिर 7वें दिन, ये 6वां दिन हो गया। इस प्रकार फिर परमेश्वर ने क्या कहा, ये 28वां देखना, 27 हमने पढ़ लिया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की।
और परमेश्वर ने उनको आशीष दी कि और कहा, उनसे कहा कि फूलो और फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। अब देखना, एक बहुत ही गहराई से सोचना है, क्योंकि हम तत्व ज्ञान समझ रहे हैं। अब जिस प्रभु ने सृष्टि रची 6 दिन में और 7वें दिन विश्राम किया, उसने 6 दिन में सृष्टि रच दी और जो आदेश निर्देश देना था वो दे दिया। अब क्या निर्देश दे रहे हैं कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान बना दिया कि पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं से ये स्याना हो, समझदार हो, उनको कंट्रोल करे, लेकिन खाए नहीं उनको, उनका मांस नहीं खाए। अल्लाह या निपुण परमात्मा का आदेश मांस खाने का नहीं। अब देखना प्रमाण 29 में, ये 28 आपने पढ़ा, 29 में, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों से, और सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, पेड़ छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। परमात्मा ने कहीं भी मनुष्य को मांस खाने का आदेश नहीं दिया। इस यह है पूर्ण परमात्मा का संदेश, निर्देश, आदेश। इसके अतिरिक्त यदि किसी बुक में और किसी अन्य नबी या किसी अवतार या किसी गुरु पीर के कहने से आप जी मांस आहार करते हो, परमात्मा का निर्देश, परमात्मा का संविधान तोड़ रहे हो, उसकी आपको सजा मिलेगी। कैसे मिलेगी? कि परमात्मा का, जैसे राजा का, हमारे हिंदुस्तान का संविधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा मनुष्य की, तो उसको सजाए मौत या 20 साल की सजा होगी। ये नियम है राजा का, और इसके, इसको जो तोड़ देता है किसी के दूसरे के कहने आदेश से, अधिकारी के आदेश से, तो फिर वो अपराधी है। जैसे एक समय किसी व्यक्ति की मित्रता एक दरोगा से हो गई, SHO तय, और उस व्यक्ति का जो साथी पड़ोसी था, नाइबर था, उसकी कहा सुनी रहती थी, उनकी आपस में नहीं बनती थी। एक दिन उस दरोगा के मित्र ने अपने मित्र दरोगा से यानी SHO से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा जो पड़ोसी है वो मुझे बहुत परेशान करता है, सारा कुछ मैंने पंचायत भी कर ली, समझा लिया, लेकिन वो बाज नहीं आता है, क्या इलाज किया जाए। SHO ने कहा कि मार उसको, समार दे, कूट छेद दे, मार लठ सिर में, मैं आप देख लूँगा। अब उस SHO के कहने, अपने मित्र SHO की बात को मान करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मार दिया, और लाठी लगने तो वो व्यक्ति की मृत्यु होगी। उस अक्षेत्र का वो प्रभारी होने के कारण वही मित्र SHO आया, अपने मित्र को पकड़ कर ले गया, और संविधान अनुसार उसको सजाए मौत होगी। अब उस नालायक ने अपने मित्र अधिकारी SHO के कहने राजा के संविधान को भंग कर दिया, तो उसको सजा मिली। ये परमात्मा का विधान है, जो भगवान ने कहना सुनना था वो कह दिया, लिख दिया, बोल दिया। उसके बाद वो परमात्मा ने विश्राम किया, तख्त पर विराजमान हुआ। उसके बाद जो यहाँ के जो मालिक हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म, इन्होंने फिर बागडोर संभाल ली, ब्रह्म ने, इन्होंने फिर आगे जो आदेश दिए हैं या किसी केंद्र प्रवेश करके या वैसे कोई आकाशवाणी करके जो आदेश दिए, ये काल ब्रह्म के आदेश हैं, और आगे चल के वो कहीं किसी बुक में नोट करके उसको लागू किया गया है, तो पूर्ण परमात्मा के विधान को भंग किया है, उनको सजा मिलेगी, वो अब दोषी होंगे। अब देखना, अभी आपने 6वां दिन पढ़ा,
अब आपने ये 29 नंबर पढ़ा, इसमें ये मनुष्यों के लिए केवल फिर पढ़िए। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। आगे पशु पक्षियों को भी आदेश नहीं है मांस खाने का। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं और वे वैसा ही होगा। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, वो अच्छा लगा, तथा सांझ भी फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये छठवां दिन हो गया। अब और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए काम से सातवें दिन विश्राम किया। अब ये तो पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और वो तो अपने उसने तो विश्राम किया, चला गया। वो तो तख्त पर जा विराज। अब इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ, क्योंकि पवित्र कुरान शरीफ के अंदर लगभग 60% पवित्र बाइबल वाला ही प्रकरण है। और पवित्र हिंदू, पवित्र मुसलमान समाज और पवित्र ईसाई समाज बाबा आदम को अपना पूर्वज मानते हैं। अब हम आपको कुरान शरीफ में सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है। ये परिभाषा प्रभु की आपको समझाई जा रही है, ये परमात्मा की परिभाषा आपको बता रहे हैं। अब देखिएगा, ये पवित्र कुरान शरीफ यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा है मुसलमान भाई सत्य मानते हैं कि इसमें जो लिखा है वो सत्य है, इसमें कोई शंका हमें नहीं है। अब देखना, यह है कुरान शरीफ, ये मुतरजम ब्राहिश्य यानी सानुवाद स्टीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरिक लिपि में, रूपांतरकार है नंद कुमार अश्वथी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये वही है जालिकल किताबू ला रैब फीही। यह वह इलामी किताब है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। ये कुरान शरीफ। नीचे देखिएगा, ये कहाँ से प्रकाशित है? शेरवानी संस्करण, प्रकाशक लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें देखना, सूरज फुरकानी पच्चीस यह है सूरत फुरकानी 25। अब इसकी हम 52 आयत से लेकर 59 तक पढ़ेंगे। ये देखिएगा पृष्ठ 604 पे फुरकानी कुरान शरीफ है, सूरत फुरकानी 25। अब नीचे आ जाइए, ये संस्कृत में लिखा सारा, ये उर्दू में लिखा है, भाषा उर्दू, लिपि उर्दू है, भाषा अरबी है।
और इसको हिंदी में भी एज इट इज लिखा गया है। ये 52 नंबर आयत है, यहाँ 51 समाप्त होती है। इसका ये अरबी है, फलातुतियल काफरीन व जाहिदुम बीही जिहादन कबीरन। इन्होंने इसका यहाँ हिंदू की हिंदी किया है, ये 51 सब है यहाँ लिखा है, हिंदी किया है इन्होंने ही। तो ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद को हजरत मोहम्मद जी का खुदा बोल रहा है, जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना अल्लाह मानते हैं। ए पैगंबर, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया है, एक पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना। ये 52वीं आयत आपको सुना रहा हूँ, सूरत फुरकानी 25 की। ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ये दास इसका अर्थ करता है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा, जिसने कुरान शरीफ को का ज्ञान दिया है, वो हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि हे पैगंबर, मैं तुझे जो संदेश दे रहा हूँ इस कुरान शरीफ में, मेरी बातों पर विश्वास करना। और वो काफिर इस कबीर को भगवान नहीं मानते जो आपको कबीर मिला है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे। और हजरत वो उन्होंने कहा था मैं खुदा हूँ, और खुद सतलोक सचखंड लेकर गए थे, लेकिन हजरत मोहम्मद जी उस क्या नाम है जिब्राइल नाम के उस फरिश्ते से इतने डरे हुए थे, उन्होंने कबीर परमेश्वर की बातों को नहीं स्वीकार किया। परमात्मा कहते हम मोहम्मद को वहाँ ले गयो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठायो, गुज बीरज एक कलमा लायो। ओहे रोजा बंग नमाज दईरे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद ने वहाँ जो परमात्मा कहते हैं हम वहाँ ले गए अपने पास, लेकिन वहाँ ये रहा नहीं, मेरी बात का स्वीकार नहीं किया, उल्टा हमने महल में यहाँ भेज दिया। फिर ये जबरील देवता जो इसको लेकर गए, तो उसके आधार से उन्होंने रोजा बंग नमाज दई रे, लेकिन बिस्मिल की नहीं बात कही रही। हजरत मोहम्मद जी ने गऊ या बकरा या कोई भी बकरी दादी बकरे आदि को बिस्मिल करने मारने का के लिए नहीं कहा। तो उसके बारे में क्या बताते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खलक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरस्ते साहिब के अब्दाली। हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया और न ही मांस खाने के लिए निर्देश दिया किसी को। 180,000 उनके अनुयायी हुए थे, उन्होंने भी कभी सौगंध है उनकी कि उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, उन्होंने कहीं ऐसा कर्द नहीं चलाया जैसे तुम अब अत्याचार करते हो, पशुओं को मारते हो और भगवान के दुआ करते हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि पैगंबर तुम उन काफरों की बात मत मानना, क्योंकि वो कबीर को भगवान नहीं मानते। उनका विरोध, उनका संघर्ष बड़े जोर, उनका संघर्ष करना, उनकी संघर्ष का अर्थ यहाँ लड़ाई नहीं करना, उनसे संघर्ष करना अर्थात उनकी बातों में मत आना। और ये कबीर वो परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, और ये वास्तव में अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता। आगे देखना है 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, इन सभी को आपको दिखाता हूं। अब हम हिंदी पढ़ेंगे इसकी। अब जैसे यहां आपने 52वां पढ़ा, तो 52वीं आयत पढ़ी है, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। आगे देखना, अब ये 53 देखो, 53, ये 53 यहां। और वही है जिसने, ये वो कबीर नामक अल्लाह पूर्ण परमात्मा वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा। और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला
और एक का खारी कड़वा और दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब चम्मन, ये 53 समाप्त हुई। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है, यानी गीता कुरान शरीफ ज्ञान से ज्ञान दाता से कोई और है जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। अब 55, ये चमन आपने पढ़ा। अब 55 में देखो, काफिर अल्लाह को के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है, यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा के लिए संकेत है कुरान शरीफ में कि वो देवता ना कुछ कर सकते, ना लाभ दे सकते, ना हानि दे सकते, और काफिर लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 में, ए परवरदिगार ना ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 देखो, अब थोड़ा सा 57 हम यहाँ देखेंगे। हाँ, 57 पढ़ो पहले। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि तुम से इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तार करे। ये 57 में। अब हम 58 पहले यहाँ देखेंगे। ये देखो, ये 58 ये है, इसमें लिखा है कि वैब कफा बिही बिजो नोबी इवादी ही खबीरा इवादी है, इवादी है माने पूजा के योग्य, खबीरा कहो कबीरा कहो, ये वही कबीरन खबीरन कहो, ये कबीर की कबीर ही शब्द है, ये बोलने में थोड़ा सा लिखने में अंतर हो जाता है। फिर इसी प्रकार यहाँ है रहमानो फसल फसअल बिही खबीरन, ये 59 और 58। इसमें यहाँ क्या लिखा है देखिएगा, ये 57 समाप्त हुई। 58, ए पैगंबर जिस उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। यहाँ कबीर का अर्थ इन्होंने काफ़ी कर दिया, बहुत अच्छी तरह खबरदार है, ये 58 में। अब इसका क्या अर्थ है कि ए पैगंबर उस जिंदा महात्मा जिंदा पर भरोसा रखो, वो कभी मरने वाला नहीं है, और उसी की तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी उसकी पवित्रता का बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, वो अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। क्या कहना चाहते हैं कि कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह जिसको हजरत मोहम्मद जी अपने खुदा मानते हैं, वो कह रहा है कि जो जिंदा महात्मा के रूप में तुझे आकर मिला था उसके ऊपर विश्वास कर, और वो अपने बंदों के यानी जो उनका अनुयायी है उनके गुनाहों को यानी उनके अपराधों को भी क्षमा कर देता है, माफ कर देता है, वो कभी मरने वाला नहीं अर्थात वो वास्तव में अविनाशी है। और यहाँ वास्तव में कबीर कुरान शरीफ ये कहना चाहते हैं कबीर नामक जो अल्लाह है, अल्लाहु अकबर जिसे कहते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबरु, कबीर अल्लाह, अल्लाह कबीर, वो एक ही बात है। वो उसका अर्थ अल्लाह कबीर का अर्थ बड़ा भगवान कह देते हैं, नहीं अर्थ तो किसी भी वस्तु अक्षर का यानी किसी नाम का कर लीजिए, अवश्य उसका शब्द का अर्थ होगा। निरर्थक शब्दों के ना नाम होते हैं और ना ही उनका कहीं प्रयोग हुआ करता है किसी भी भाषा में। तो इस प्रकार ये लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है। अब उसी गीता कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला कह रहा कि उसी की महिमा गा तू। अब 59 में देखो, 59 में कमाल कर दिया, ये 58 आपने पढ़ा, ये देखिएगा ये 59 कि जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है
सबको छह दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, यहां लिखना था वह भगवान कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर, तो उसकी खबर किसी बाखबर बाखबर इलम वाले से पूछ देखो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। अपुन आत्माओं, इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने, शास्त्रों ने, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। उसी ने छह दिन में सृष्टि रची, सातवें दिन तकत पर जा बैठा, वो साकार है, उसका नाम कबीर है। अब दो पवित्र धर्म तो स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा साकार है, इनके सदग्रंथ बता रहे हैं, और उसका नाम कबीर है, वो सह शरीर है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है। अब इनको पढ़ने वालों की कमी नहीं, इन्हीं सदग्रंथों को पढ़ने वालों की कमी नहीं, और इनको समझा नहीं। अब आप देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में दो बार प्रमाण किया है कि वो परमात्मा सह शरीर है, वो परमात्मा अन्य रूप धारण भी करता है यहां सबके संभाल करने के लिए। अब दो पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने तो सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है, साकार है, मनुष्य जैसा है, और उसका नाम कबीर है। अब तीसरे पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथ, वैसे तो पवित्र वेद और पवित्र गीता जी और 18 पुराण आदि जो सदग्रंथ हैं, ये किसी धर्म विशेष के नहीं हैं। ये उस समय रचना की गई थी इनकी, उस समय ना कोई धर्म था, ना कोई मजहब अलग नहीं था, ना हिंदू था, ना सिख था, ना ईसाई, ना मुसलमान था, ना कोई और धर्म था। ये केवल एक मानव मात्र के लिए रचे गए थे और सबके लिए साजला संकेत है। तो फिर अब इनको हिंदुओं के नाम मंड दिया गया, तो हम इसलिए इसको हिंदुओं के सदग्रंथ कहते हैं। तो हिंदुओं से आप पूछिए, वो कहते हैं परमात्मा तो निराकार है, उसका केवल प्रकाश ही देखा जा सकता है। और हमारे सदग्रंथ कहते हैं वो तो मनुष्य, वह साकार है, सह शरीर है, और उस परमात्मा, वह परमात्मा अपने अन्य सभी प्राणियों की संभाल करने के लिए भी अन्य शरीर धारण करता है, वो सह शरीर है। अब देखना पवित्र यजुर्वेद, अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती, ये कहां से छपा है, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, अनुवाद किया महर्षि दानंद ने, और ये कहाँ से छपा, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें देखिए, 5वें अध्याय का प्रथम ही मंत्र, ये है अथ पंचम अध्याय, अथ पंचम अध्याय आरंभ, इसका प्रथम मंत्र है अग्ने तनुरसी, अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णवे तवा अतिथ्यमसि, विष्णवे तथा सेनाय तवा सोम भर्ते, विष्णवे तवा अग्ने तवा राय पोस्ते, विष्णवे तवा। अब देखो, अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, स्वामी जी ने इसका अर्थ क्या किया है इसको बाद में बताएंगे। तनु माने शरीर है, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप लिख दिया। अब यहां देखते हैं,
स्वामी जी ने इसी यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में ये प्रथम अध्याय है, इसमें मंत्र नंबर 5 में प्रथम अध्याय 7 पृष्ठ पे अग्ने माने सत्य उपदेश करने वाले परमेश्वर, अग्ने माने परमेश्वर, ठीक है। आगे देखो इस 11वें श्लोक में, ये 11वें मंत्र में प्रथम अध्याय का, ये 11वें मंत्र में हे अग्ने, अग्ने माने जगदीश्वर, अब ये 13वें मंत्र में, 13वें में प्रथम अध्याय का 13वां मंत्र, यह अनुवाद है। अग्नेय, अग्नेय माने परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। अब यहां देखिएगा, यह है प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक, इसमें अग्ने तनु रसि लिखा है। स्वामी जी ने इसका कहीं अर्थ नहीं किया, ये जो हाईलाइट कर रखे हैं इनके अर्थ स्वामी जी ने करना ही छोड़ दिया। सब जनों के सहित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए वृद्धग्राह बड़े बड़े पत्थर हैं और काष्ट के मुसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान का विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। अब स्वामी जी ने क्या अनुवाद कर दिया, वो अग्नि तनु रसीदा छोड़ दिया है, और इसका क्या अर्थ कर दिया, बड़े बड़े पत्थर और काठ के मुसल इनको ग्रहण करता हूँ। बता भगवान काठ के मुसलान और पत्थरान शर्म मारा ग्रहण करके सारी सृष्टि सारे पहाड़ उसी के रचे हुए हैं, सारे वन अर्थात अर्थों का अनर्थ कर दिया इसने, क्योंकि इनको ज्ञान था ही नहीं, भक्ति मार्ग का ABC भी नहीं जानते थे, और ये कम से कम 11 शब्दों का अर्थ ही नहीं कर रखा। ये जितने हाईलाइट हैं ये ऊपर, इनका अर्थ इस अनुवाद में नहीं, अरे 100 वर्ष से इसका यूं का तो प्रिंट चलता आ रहा है, ये इन, ये तो अर्थ हैं, ये संस्कृत के संस्कृत है, इनमें कहीं पर भी अग्ने तनुरसी नहीं है जिनका अर्थ किया हो। ये जो है ये संस्कृत है, संस्कृत के आगे बाकी शेष हिंदी है। अब ऋग्वेद, इन्होंने स्वामी दयानंद जी ने पहले ऋग्वेद शुरू किया था, इसका इन्होंने लिखा है वैसे 1 से 6 मंडल अनुवाद किया है, किसी में लिखा केवल प्रथम मंडल ही उन्होंने अनुवाद किया, जैसा भी आधा ऋग्वेद इन्होंने अनुवाद किया। तो इन्होंने जब स्टार्ट किया तो उसमें स्पष्ट लिखा है, क्योंकि ऋग्वेद अग्ने शब्द से प्रारंभ होता है, उन्होंने अग्ने की परिभाषा, अग्ने का शब्द अर्थ किया है कि अग्ने जहाँ पर लिखा हो उसको परमात्मा माने। वैसे तो अग्नि माने सब नबेरा आग होती है, और अग्ने माने परमेश्वर है, ये ऋषि जी ही बताया करते हैं, संत गुरु बताते हैं इसका क्या अर्थ होता है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद, प्रथम मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये कहाँ से छपा है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। प्रथम ऋग्वेद मंडल, ऋग्वेद प्रथम मंडल हिंदी भाषा है, ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स यहाँ से छपा है। अच्छा, इसमें जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ देखिए, ये है ऋग्वेद भाषा भाष्य प्रथम मंडल प्रथम सूक्त, अग्नि मिले, अग्नि शब्द से प्रारंभ है। तो इसमें स्वामी जी ने
यहाँ कहा है कि यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने प्रमाण हैं कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों का सच्चिदानंद लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। ये तो में अग्नि तो तदवे तदेवाग्नि, इस यजुर्वेद में भी अग्नि शब्द से लक्षण से ब्रह्म को जानना चाहिए, अग्नि माने परमात्मा इत्यादि सतपद प्राणों के से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का अर्थवाची है, परमात्मा और आत्मा। स्वामी जी बता रहे हैं अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रकार सत्याचरण के नियमों का जो सत्य यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है, फाइनल हो गया। और इसी के साथ साथ स्वामी जी ने इसी में ये ऋग्वेद प्रथम मंडल चल रहा है इसमें देखना, इसके आगे और लिखा इसी के जैसे ये यहाँ से हम पढ़ रहे थे दूसरे पृष्ठ पर, यहाँ लिखा है इस पर इस कारण अग्नि शब्द से ईश्वर, अग्नि शब्द से ईश्वर शब्द। अच्छा अब ये दूसरा श्लोक दूसरा मंत्र, इसमें अग्नि माने वह परमेश्वर स्वयं अर्थ कर रहे हैं अनुवाद करते समय। अब ये देखिएगा तीसरा मंत्र, इसमें भी अग्नि ना अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर की, हे अग्नि माने हे परमेश्वर। ये चौथे तीसरे चौथे में दो एक दो तीन और चौथे में लगातार अग्नि माने परमेश्वर। और पांचवा छोड़ दिया, पांचवें में शब्द अग्नि नहीं है, छठे में अग्नि माने परमेश्वर। अब सातवें में अग्नि माने सब प्रकार से उपासना करने को परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। और आठवें में अग्नि शब्द नहीं है, नौवें में है अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। कहने का भाव ये है कि जहां भी अग्नि शब्द है उन्होंने स्वयं भी अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। अब इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि अग्नि माने परमेश्वर ही होता है। और जहां अग्नि माने परमेश्वर करना चाहिए था वहां अग्नि शब्द का अर्थ परमेश्वर नहीं किया। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दानंद सरस्वती, और ये कहां से छपा है, ये है अथ सत्यार्थ प्रकाश वेदादि विधि सदशास्त्र प्रमाण, सदशास्त्र प्रमाण समंत समिंत है श्री मत परमहंस परमहंस परिव्राजकार्य आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरच। कितनी आगे पीछे कितनी लंबी चौड़ी इनके फीतला रखी है और कहाँ से छपा है प्रकाशक, ये तो इन्होंने लिखा है कि ये जो सत्यार्थ प्रकाश है वेद आदि सभी सदशास्त्रों को प्रमाण रख करके उसके आधार से इसकी रचना महर्षि दानंद सरस्वती ने की है। वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से छपी, कहाँ से है ये रोहतक से, दानंद मठ रोहतक से छपी है। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब, स्वामी ओमान सरस्वती के सहयोग से प्रचारार्थ लागत से भी कम मूल्य ₹25। मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। अब देखिएगा इस पे प्रथम ही समुल्लास में अत सत्यार्थ प्रकाश है, इन्होंने कहा है कि
जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि ये अर्थ होते हैं। यहाँ देखना, और सब स्वरूप, दूसरे दो प्रश्न नंबर 15 पे है, सब स्वरूप होने से, सब स्वरूप और सब प्रकाश होने से अग्नि, अब 16 पर देखना, सौ प्रकाश होने से अग्नि, यहाँ लिखा है कि निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। इसमें तो अग्नि नाम भी परमात्मा का है, यहाँ देखना फिर ओम, ये प्रश्न नंबर 16 पर, ओम और अग्नि आदि नामों से मुख्य अर्थ परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों से मुख्य अर्थ परमेश्वर का ही होता है। स्पष्ट हो गया, परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। आगे देखो, ये प्रश्न नंबर 17 पर, अग्नि इण धातु है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने योग्य प्राप्त, जानने प्राप्ति होने और करने योग, पूजा करने योग्य, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। अच्छा, अब देखिएगा कमाल इनका, ये है यजुर्वेद, ना यजुर्वेद और सामवेद को इकट्ठा ही जल्द किया गया है। ये देखिएगा, ये बड़ी बड़ी जल्द में है, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद तो स्वामी दानंद जी वाला ही है, एज इट इज इन्होंने सिर्फ टाइप अलग करके लंबाई ज़्यादा बढ़ा के किया है। और ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा, यजुर्वेद सामवेद भाषा भाष्य संपूर्ण, यहाँ से देखिए, प्रधान कार्यालय दानंद संस्थान, वेद मंदिर महात्मा, वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना। ये कहाँ से छपा, दान संस्थान नई दिल्ली से। कौन है इसके प्रकाशक, पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। ये तो अब इसमें श्याम वेद का अनुवाद किया है आर्य समाजी आचार्य ने, और महर्षि दानंद जी की उस निर्देश का पालन करते हुए कि जहाँ भी अग्नि शब्द है मुख्य तौर पर उसका नाम परमात्मा परमेश्वर होना चाहिए। अब देखिए सामवेद, ये सामवेद है भाषा भाषण, ये प्रथम ही स्टार्ट है यहाँ से, इसके प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र है, अग्ने माने हे ईश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्ने माने हे ईश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर। आगे देखो, अग्ने माने हे ईश्वर, अग्ने माने हे ईश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर। अग्ने माने हे परमेश्वर, जहाँ भी अग्ने शब्द है जिस भी अर्थ मंत्र में, अग्ने माने हे परमेश्वर। अब देखिएगा, हो अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर की, परमेश्वर की, अग्नि माने परमेश्वर की, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने, अग्नि माने परमेश्वर की। यहाँ देखिए, अग्नि माने परमेश्वर, अग्ने माने हे ईश्वर, अग्ने माने हे ईश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्ने माने हे ईश्वर, अग्ने माने परमेश्वर, अग्ने माने परमेश्वर। अपुण्यात्मा, अब हम इस ऋग्वेद यजुर्वेद मंडल नंबर
यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 को अब अनुवाद करेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, नथिंग, इसमें कोई खास डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि शब्दों क्या थी इन्होंने कर ही रखे हैं। हमने तो अग्नि के आगे परमेश्वर रखना है। ये देखो, यजुर्वेद महर्षि दान सरस्वती द्वारा, वही जो आपको अभी दिखाया था पहले, और ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दान सरस्वती कृत मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये देखिएगा, अथ पंचम अध्याय आरंभ। अग्ने तनुरसी विष्णवे त्वा सोमस्य तनुरसी। हम सिर्फ इतने का अर्थ करके ही अपना काम निकाल लेंगे। वैसे तो हमने अनुवाद इसका पूरा किया है, इस श्लोक का, मंत्र का। अब यहां देखिए इन्होंने क्या अनुवाद किया। स्वामी जी ने, हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्ने, बीज अग्ने का अर्थ किया बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के तनु माने शरीर के समान असी माने हैं। अब यहां हम लिख देते हैं अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है शरीर माने उन्होंने लिखा है, तनु माने शरीर ये खुद लिख रहे हैं। अग्नि माने परमेश्वर सैकड़ों जगह पर इन्होंने खुद लिखा है अग्नि माने परमेश्वर। परमेश्वर शरीर है, परमात्मा का शरीर है। फिर यहां विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। तवा माने उस, सोमस्य सब, विष्णवे माने सबकी संभाल करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष यानी सतपुरुष का, अविनाशी भगवान का, तनु माने शरीर, असी माने है। दो बार प्रसिद्ध हो गया कि परमात्मा शरीर है। अब पुण्यात्माओं, अब स्वामी जी ने अपने उस सत्यार प्रकाश के अज्ञान को ऊपर रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने सातवें अध्याय के सत्यार प्रकाश समुल्लास नंबर 7 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा साकार है ना निराकार है, जबकि वेद साकार बता रहे हैं। ये देखिएगा, ये वही सत्यार प्रकाश है और इसके 7वें समुल्लास में ये देखिएगा, ₹154 पे कहते हैं परमात्मा निराकार है, 7वां समुल्लास। और यहां प्रश्न नंबर 154 पे लिख रहे हैं, प्रश्न किया किसी ने कि ईश्वर साकार है वा निराकार, उत्तर निराकार। और क्योंकि कहते हैं सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, कबीर जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि चोर चुराई तुम्बड़ी गड्ढे पानी में वो गड्ढे व ऊपर आवन सच्चाई छनी ना। अब किसी चोर ने तुम्बा चुरा लिया और उसने पानी में गड्ढा है, पानी के अंदर छुपावे दबावे, वो दाब के थोड़ी बहुत मिट्टी मट्टी डाल के ऊपर ना आवे, इतने पीछे साथ की साथ वो ऊपर आ ले। कहते चोर चुराई तुम्बड़ी वो गड्ढे पानी में वो गड्ढे व ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब स्वामी जी ने अपने अज्ञान को थोपने की चेष्टा की कि परमात्मा निराकार, लेकिन उसको छुपा नहीं सका क्योंकि वेदों में साकार लिखा है और उन्होंने खुद भी लिखना पड़ा कि परमात्मा की उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ये देखिए 155 पृष्ठ पे, 54 पे तो कहा निराकार है, 154 पे, और एक यहाँ क्या लिखा है परमात्मा निराकार है, उत्तर स्वामी जी का। और 155 पे साकार सिद्ध कर रहे हैं, अपने व्याख्या का स्वयं ही खंडन भी कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं, करनी चाहिए, उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए।
प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर नहीं। स्वामी जी कहते हैं पाप नहीं छुड़ाएगा। प्रश्नकर्ता कहता है तो फिर स्तुति प्रार्थना किस लिए करें, क्यों करना? स्वामी जी ने कहा कि उसके करने का फल अन्य ही है। प्रश्न क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना तथा प्रार्थना से निर्अभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह, अब साक्षात्कार किसका होता है? साकार वस्तु का, निराकार का साक्षात्कार नहीं होता। और मिलन मेल भी साकार से होगा, क्योंकि यदि परमात्मा को सर्वव्यापक और कणकण में विद्वान माने तो उपासना से पहले भी वो मिला हुआ था, फिर उसको समाधि लाकर उसको उपासना करके फिर मिलन क्या हुआ? तो इससे ये छुपा भी नहीं सके कि परमात्मा साकार नहीं है, स्वयं लिख रहे हैं कि उसका साक्षात्कार होता है। वास्तविकता यही है, परमात्मा साकार है, लेकिन इनकी और सभी की जो तत्वज्ञान से अपरिचित जितने भी जो भी, क्योंकि पूरा मानव समाज परमात्मा कबीर साहब को छोड़कर, वो तो भगवान थे, और फिर उनसे परिचित जो संत हुए उनको, उनके अतिरिक्त किसी भी की थ्योरी में आपको सच्चाई नहीं मिलेगी कि परमात्मा कैसा है, क्योंकि उनको उन्होंने साक्षात्कार हुआ ही नहीं। इसलिए उन्होंने लिख दिया कि परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, वो निराकार है। नहीं, परमात्मा साकार है, सह शरीर है, मनुष्य जैसा है, उसका नाम कबीर है। पवित्र यजुर्वेद ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है, और वो परमात्मा सबकी संभाल करने के लिए यहाँ अतिथि रूप में आता है। पांचवें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही स्पष्ट किया है, और उसका उस सबके संभालने के लिए भी उस अमर पुरुष का शरीर है परमात्मा। कबीर साहब के बारे में गरीबदास जी कहते हैं तेज पूंज अन्न दे धरके इस विध हमको भेंट ही। इस प्रकार हमें वो परमात्मा मिलते हैं, अन्य तेज पुंज के, हल्का तेज पुंज का एक और शरीर बना करके परमात्मा यहां तक, वहां भी सह शरीर है। अरस क्रूस पर श्वेत गुमट है जहां सतगुरु का डेरा। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तकत पर जा बैठा।